फ्रेंड बॉयफ्रेंड इंटरनेट पर तुम्हें ये भर भर के देखने को मिल जाएगा। 12 साल के बच्चे आज बंदी घुमा रहे हैं, जोर जोर से घुमा रहे हैं, प्यार भरी बातें हो रही है। ओए सुखी, तू कहे तो तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊं, तुझे अपने क्रीम वाले बिस्किट दे दूं। नहीं यार, क्रीम वाले बिस्किट नहीं, तू कहे तो तेरे लिए सीने पर गोली खा लूं। सन्नी! हाँ मम्मी। फिर से पैंट में मुंह लिया ना तू आज स्कूल में। अरे बाप रे सुखी, चल कल सीने पर गोली खाऊंगा तेरे लिए, अभी बाय। मम्मी वो अली की सूसू है। अली कैसे मूत रहा है तेरी पैंट में? गोली बराबर के बच्चे सीने पे गोली खाने की बातें कर रहे हैं। भाई जब मैं 12 साल का था मैं सोचता था ये अंकल चिप्स कौन सा अंकल बनाए जा रहा है और इतनी सारी कैसे बना रहा है। मेरा नाम है अंकल चिप्स। वैसे तो ज्यादातर समय चिप्स बनाने और बच्चों के साथ मौसम पाई खेलने में चला जाता है, लेकिन खाली टाइम में मैं खुद को गुदगुदा भी लेता हूँ, देखना चाहोगे? अरे मायरे बस करो भाई। भाई जब मैं छोटा था मुझसे आई कांटेक्ट तक नहीं होता था लड़कियों से। ओए वो मुझे पसंद है। कौन? विराट? नहीं यार विराट नहीं, विराट तो मिन्नू को पसंद है। गोली? अरे गोली नहीं कोहली। नहीं, अगर दो गोली अस्थमा की एक साथ खाओगे तो तुम्हें हल्का लगेगा। मिन्नू अजीब से मुंह बना के अपने कच्चे में हगना बंद कर। अरे तू विराट के पीछे देख यार। शिल्पी? हाँ हाँ बोल क्या उसको। अच्छा रुक जाता हूँ। और शिल्पी वो मेरा दोस्त वो मुझे गली गली सिमसिम बहुत पसंद है। चल बाय। ये अजीब सा लड़का तुझे क्या बोल के गया? बोला गली गली सिमसिम उसे बहुत पसंद है। और ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है उसने कच्चे में हग लिया होगा। रिलेशनशिप के असली ड्रामे तो तुम्हें 16 से लेकर 19 साल तक के बालकों में मिलेंगे। पहले ये बोलते हैं पहला प्यार झूठा होता है। सही बात है। फिर इन नमूनों को हर दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है, लड़की देखेंगे तक नहीं। आई लव यू। अरे ये क्या, एक और बड़बोला बच्चा मेरे प्यार में पड़ गया, लेकिन अब उसमें ये भी क्या करेगा, मैं हुई इतना सुंदर स्पेशल। और क्या तुमने मेरा दूसरा सर देखा? चुकंदर! इसकी माँ का? ओ हेलो, मेरी माँ का नहीं आपकी माँ का, साकीना का। क्या आप लोग हमारे साकीना का ग्रुप में डोनेट करना पसंद करेंगे? हम बुढ़े लोगों को नॉर्मली रहना सिखाते हैं। दुबे जी अपने पैरों के बल चलिए। चल हट नाश मिटी, मैं एक मेंढक हूँ और ये मैं चला। टिकी 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 टिकी। इस एज ग्रुप के जो कपल्स होते हैं ना, स्टार्टिंग में एक दूसरे से बहुत बातें करेंगे, अपने जीवन की एक एक बातें बता देंगे एक दूसरे को। तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे पापा असलियत में बैटमैन थोड़ी ना है, वो एक चोर है, है? अरे यार नहीं 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 नहीं, अंकल मत करो, सर घूम रहा है। जरा मुझे उससे बात करने दो। टिम्मी बेटा ये चोर वाली बात अपने घर तक ही रखनी है, सबको बताना नहीं है। तुम इसे जरा समझा दो, जब इसका नया बॉयफ्रेंड बनेगा तो उसे ये चोर वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए। और ये तुम्हारे माता पिता कुछ कमाते धमाते नहीं है क्या? तिजोरी से बस एक ही गड्डी मिली, उन्हें बोलो कुछ कमाए धमाए। ओके अंकल। बोलो उन्हें जरा कुछ कमाए धमाए, आजकल के लोगों ने भी ना। वैसे टिम्मी मेरे पापा भी एक पुलिस वाले हैं। शर्मा जी को 1000 बार बोला है मुझे रात में ड्यूटी पे नहीं बुलाए, मेरा पेट खराब हो जाता है। वो क्या है, सलवार में कृष की कबर बिज्जू है, आखिर भड़मुंजी का है क्या? जांग पे मार दी रे, ब्लैडर भी फोड़ दिया मायरे। टिम्मी लगता है तुम्हारे पापा मर गए। स्टार्टिंग में ये लोग एक दूसरे में बहुत घुसेंगे, एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करेंगे। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। हाँ खाना खाया तुमने? नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है क्या खाने में प्रोटीन्स होते हैं?
तुम तो लकड़ी बनते जा रही हो, लकड़ी। ये चावल खाओ। लेकिन पता है, थोड़े टाइम के बाद ये टीनेज कपल एक दूसरे से बोर हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये एक दूसरे से इतनी बातें कर लेते हैं, इतनी ज्यादा केयर कर लेते हैं, और तब स्टार्ट होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप। कुछ खा के आता हूँ। टॉक्सिक रिलेशनशिप के टाइम पे तुम्हारी हर टाइम लड़ाइयाँ हो रही होती है, ज्यादातर तो किसी नए लड़के या लड़की के आने की वजह से। वो लड़का कौन है, उससे क्यों बात कर रही हो? मेरी मर्जी, जिससे बात करना होगा करूंगी। सुन लिया ना, चल अब भाग यहाँ से, भाग 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 भाग। ओए बड़ी छाती वाले, डरता नहीं हूँ तेरे से, ठीक है? चल चट मार रही है, इसको समझा ले, मार रही है तो मेरे को दर्द हो रहा है। टीनेज में अक्सर यही होता है, तुम अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की वजह से अपने दोस्तों से दूर हो जाते हो, पूरा टाइम ट्रस्ट अपने पार्टनर को दे देते हो, बट देन तुम्हारा पार्टनर तुमसे बोर हो जाता है, उसे कोई नया बंदा या बंदी मिल जाता है और वो तुम्हारा कार्ड देता है, अल्टीमेट कटाई। वेट, इस नाम का तो शो बन सकता है। आज अल्टीमेट कटाई में देखिए। हे, तुमने तो वो पेड़ काट दिए। हाँ तो उसके पीछे मेरे नाना जी छुपे हुए थे, हम लोग लुका टिपी खेल रहे थे। अच्छा, तो वो चिल्लाने की आवाज गाने से नहीं आ रही थी? गाना तो बज भी नहीं रहा है। क्या 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 क्या, देखिए शाम 5:30। टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद तुम्हारा बहुत बुरा ब्रेकअप हो जाता है, इतने अटैचमेंट्स, ट्रस्ट सब खत्म। नहीं हो रहा मुझसे। इंटरनेट पर भी बस ज्यादातर दो ही प्रकार के टीनेजर्स मिलेंगे, पहले जो रिलेशनशिप में है और दूसरे जो सिंगल है बहन के टके, जैसे मैं। और इन्हीं दो टाइप के बीच में कहीं ना कहीं तुम्हें वो मोटिवेशन वाले बच्चे मिल जाएंगे। अगर तुम किसी को डेट करने का सोच रहे हो तो तुम्हें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी, वरना तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस सकते हो। नंबर 1, स्टार्टिंग में ही ओवर शेयर करना बंद करो। तुम जितना अपने बारे में किसी को बताओगे, तुम उससे उतने ही ज्यादा अटैच होते जाओगे, और स्टार्टिंग में तुम्हें नहीं पता होता है कि सामने वाला कैसा है, क्या चाहता है, क्या वो एक क्रिमिनल है। नंबर 2, मेक श्योर तुम्हारा पार्टनर ओवर रिएक्टिंग ना, वरना छोटी छोटी चीजों को भी पहाड़ बनने में टाइम नहीं लगेगा। नंबर 3, तुम्हारा पार्टनर कोई भी तुम पर फालतू की रेस्ट्रिक्शंस वगैरह ना लगाए। और मैं पहले ही बता दूं, ये सारे मेरे अपने ओपिनियन है, मैं तुम्हारा कोई ब्रेकअप वगैरह नहीं करवाना चाहता, और अगर गलती से हो भी जाता है तो टेंशन की बात नहीं है, तुम कमेंट में अपना नंबर छोड़ सकते हो, शायद मैं तुम्हें कॉल कर दूं। सिर्फ लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो पता चल रहा है लौंडे कमेंट कर रहे हैं। भाई 9956 वाला नंबर है, नाम मनीष, तू कॉल कर देना रात को, कृषि विज्ञान और देश की गिरती GDP के बारे में बात करेंगे, रवि और मुट्ठू भी है अपने साथ। प्लीज ऐसे कमेंट करके मेरी आत्मा